drifting away. But I know you're not the type to stay when out with your friends. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to another shopping haul video. आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ Amazon कुर्ती हॉल. Amazon में स्टार्ट हो चुका है Great Indian Festival from 23rd of September. वहाँ पे आपको काफी अच्छे discounts, offers and deals मिलेंगे. So do not forget to check out Amazon. I will provide all the links in the description box. इन कुर्तियों की खास बात यह है full length maxi कुर्ती. इन कुर्तियों को आप without any bottom wear या दुपट्टे के भी कैरी कर सकते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है और आने वाले सभी फेस्टिवल्स के लिए अप्रोप्रिएट है. फिर चाहे वो नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, यू नो करवा चौथ हो, या शादी वाले कोई भी छोटे मोटे फंक्शन हो, या इन जनरल भी कोई छोटी मोटी पार्टी हो, उसके लिए भी आप इनको वेयर कर सकते हैं. एंड द गुड थिंग इज ऑल द कुर्तीज आर क्वाइट अफोर्डेबल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन रोलिंग. वीडियो एंड तक जरूर देखना और मुझे इनमें जरूर बताना आपको इनमें से सबसे अच्छी कुर्ती कौन सी लगी, मुझमें कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी. और वीडियो पसंद आए तो यू नो यू हैव टू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट डाउन बिलो. और सब्सक्राइब भी करना है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, फन और यू नो फैशन से रिलेटेड स्टाइलिश वीडियोस देखने के लिए. इनफ ऑफ इंट्रो, नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कुर्ती. एंड माय फर्स्ट कुर्ती इज इन दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर. फेस्टिव कलेक्शन हो और उसमें इस तरीके का ग्रीन ना हो इज नॉट पॉसिबल. आजकल मुझे ग्रीन कलर यू नो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. सो यस, दिस इज माय फर्स्ट कुर्ती. तो जैसा मैंने कहा ये फुल लेंथ कुर्ती है तो काफी यू नो लॉन्ग है. इस तरीके का इसका नेक है, एकदम ऊपर तक नेक आता है और फुल इस एरिया में आपको यहाँ पे गोटा पट्टी वाला यू नो गोटा मिल जाएगा. बहुत अच्छी सी क्रिस क्रॉस डिजाइन दी हुई है और इसका स्लीव्स है कुछ इस तरीके का और स्लीव्स में भी वही यू नो गोटा पट्टी लगाई हुई है. 3/4 स्लीव्स है और बाकी जो है फॉइल प्रिंट से ओवरऑल प्रिंट यहाँ पे बूटियां बनी हुई है. बैक साइड से ये फुल प्लेन है और यहाँ पे आपको इस तरीके का जिप मिल जाएगा. फुल ऊपर से नीचे तक इस तरीके की इसमें जिप क्लोजर है. वेस्ट एरिया से फुल फ्रिल है, काफी लंबा फ्रिल है. कुर्ती के एंड में भी आपको इस तरीके की लाइनिंग मिल जाएगी. सो ओवरऑल कुर्ती में फॉइल प्रिंट किया हुआ है. द कलर एंड द पैटर्न ऑफ द कुर्ती इज रियली गुड. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल इडालिया और इसमें मैंने साइज लिया था लार्ज, जो की मुझे हल्का सा लूज हो रहा है अराउंड माई दिस एरिया. अदरवाइज बॉडी में काफी यू नो अच्छी फिटिंग आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये कलर पहनने के बाद. आप ओनली कुर्ती भी वेयर करेंगे विद यू नो स्टेटमेंट इयररिंग तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मैंने स्टाइल किया है. अदरवाइज अगर आपको यू नो दुपट्टा लेना चाहे इसके ऊपर कोई भी दुपट्टा अच्छा लगेगा. मोस्टली यू नो गोल्डन ऐसा इस तरीके का क्रीम कलर का बीच कलर का दुपट्टा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा. और इसके अंदर लाइनिंग नहीं है. इस कुर्ती का फैब्रिक है रेयॉन, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है. ये लाइनिंग की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है. स्टिल अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसके अंदर यू नो कोई भी गोल्डन कलर की लेगिंग या गोल्डन प्लाजो पैंट जो भी आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं. मेरे तो फुल एंकल ऑलमोस्ट टच कर रहा है तो मुझे नहीं लगता मुझे इसके नीचे कुछ पहनना पड़ेगा. आने वाले फेस्टिव वेयर में यू नो नवरात्रि में अलग अलग कलर आते हैं एंड ग्रीन इज आल्सो वन ऑफ द कलर. सो आप उस टाइम डेफिनेटली इस कुर्ती को ट्राई कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती इज इन दिस कलर. काफी अच्छा कलर है, काफी वाइब्रेंट कलर है. ऑरेंज एंड पिंक का मिक्सचर है इसमें एंड एज यू कैन सी द प्रिंट बांधनी प्रिंट है तो आने वाले नवरात्रि के लिए तो ये अप्रोप्रिएट कुर्ती है. सो दिस इज द फ्रंट. कुर्ती में काफी अच्छा यू नो गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, साथ ही में फॉल्स मिरर का भी वर्क है. आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. इस कुर्ती का भी 3/4 स्लीव्स है. स्लीव के एंड में भी इस तरीके का कुछ वर्क किया हुआ है विद फॉल्स मिरर एंड एम्ब्रॉयडरी. नीचे जाके काफी ज्यादा फ्लेयर हो जाती है. यू कैन सी द फ्लेयर इन द ट्रायन पार्ट एज वेल. नीचे से यहाँ पे थोड़ा सा टायर डिटेलिंग है तो जिससे ना फ्लेयर और ज्यादा बड़ा लगने लगता है. और वेस्ट के नीचे से इसमें काफी ज्यादा कलियां दी हुई है तो कलियां देने की वजह से काफी ज्यादा अच्छा फ्लेयर आ जाता है. वेस्ट के एंड में दोनों तरफ इस तरीके के टैसल डिटेलिंग भी दी हुई है. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर इसमें यूज किए हुए हैं और जो वर्क किया हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही फाइन वर्क किया हुआ है. एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड डोइसा और इसमें मेरा साइज है मीडियम जो कि मुझे परफेक्टली फिट हुआ है. इसका फैब्रिक भी यू नो रेयॉन है तो आप किसी भी यू नो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. Waiting for me.
नवरात्रि में आई थिंक पिंक एंड ऑरेंज दोनों कलर है, सो आप उनमें से किसी एक दिन इस कुर्ती को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नवरात्रि में तो बांधनी आउटफिट्स होने ही चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा लगते हैं पहनने के बाद। ओवरऑल मुझे कुर्ती काफी ज्यादा पसंद आई, आई विल हाईली रिकमेंड दिस कुर्ती, आप डेफिनेटली इस फेस्टिव सीजन इसको ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती इज इन दिस कलर, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइट पीचिश कलर एंड यू कैन सी द फैब्रिक, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका फैब्रिक। फैब्रिक है इस कुर्ती का कॉटन सिल्क और बीच बीच में जरी से लाइनिंग दी हुई है, चेक्स बने हुए, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कुर्ती। ऊपर से एज यू कैन सी फुल नेक में आगे एंड पीछे गोटा पट्टी डिटेलिंग दी हुई है एंड यहाँ पे छोटा सा एक राउंड कट दिया हुआ है जो काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और इस कुर्ती के स्लीव्स इतने हैं, 3/4 नहीं है, एल्बो से ऊपर ऊपर आते हैं और एंड में इसके भी गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है। फुल प्लेन है तो इसमें जरी होने की वजह से काफी शाइन करती है और फैब्रिक भी इसका कॉटन सिल्क है तो काफी एकदम फेस्टिव एप्रोप्रिएट कुर्ती है। इसका फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा फ्लेयर है और इसके अंदर आपको इसका कॉटन सिल्क का लाइनिंग मिल जाएगी। कोई भी नाइट पार्टी हो, नाइट फंक्शन हो या शादी में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो उसमें आप ये कुर्ती को पहन सकते हैं, या तो फिर मैं उस कुर्ती को दिवाली अप्रोप्रिएट कुर्ती कहूंगी। तो ये मुझे एंकल से थोड़ा सा ऊपर हो रही है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसके नीचे कोई भी गोल्डन पैंट्स, गोल्डन लेगिंग ये सब पहन सकते हैं या चाहे तो गोल्डन कलर के दुपट्टे से भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। साइशा बुटीक इज द ब्रांड और इसमें मैंने साइज लिया है मीडियम, परफेक्टली फिट हुआ है। फिटिंग इसका, पैटर्न इसका, फैब्रिक और ओवरऑल लुक जो है कुर्ती का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। इस दिवाली आप इस कुर्ती को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इसके साथ आप कोई भी गोल्ड या पर्ल की झुमकी या स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ इसको एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, यू मस्ट ट्राई दिस कुर्ती। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट कुर्ती ऑफ दिस हॉल इज इन दिस कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है, ग्रीन का काफी डार्क शेड है, यू कैन सी बॉटल ग्रीन या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा डार्क ग्रीन है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इस कुर्ती में जो वर्क किया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ऊपर से ये कुर्ती कुछ इस तरीके की दिखेगी, ओवरऑल कुर्ती में गोल्डन एंड मरून कलर से फॉइल प्रिंट किया हुआ है और ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस डिटेलिंग भी दी हुई है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे छोटा सा कुछ टैसल जैसा लगाया हुआ जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा, बट ठीक है। एंड खास बात इस कुर्ती की है, काफी ब्यूटीफुल स्लीव है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बलून टाइप की स्लीव दी हुई है, नॉर्मल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा थोड़ा बलून शेप में दिया हुआ है और आगे जाके इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा जिसमें फॉइल प्रिंट हो रखा है गोल्डन एंड मरून कलर का। राउंड नेक है आगे पीछे दोनों, मरून कलर से पाइपिंग की हुई है। दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग कुर्ती, फुल कुर्ती में यू कैन सी फॉइल प्रिंट किया हुआ है, नीचे जाके और भी ज्यादा डेंस हो जाता है प्रिंट और एंड में आपको अगेन बॉर्डर मिलेगा। कुर्ती का फैब्रिक कॉटन है, बहुत ही ठंडा फैब्रिक है, ये कुर्ती छूते ही एकदम ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है और पहनने के बाद भी बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट है, ऑलमोस्ट एंकल तक टच करे तो इसके साथ आप कुछ दुपट्टा या बॉटम में पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी पहन सकते हैं। This kurti is from the brand Madhuram and इसमें मैंने साइज लिया है मीडियम, अगेन मुझे परफेक्टली फिट हुई है, मुझे ये कुर्ती बहुत ज्यादा प्यारी लगी है बिकॉज ऑफ इट्स कलर और इसमें जो कलर कॉम्बो यूज किया हुआ है ग्रीन एंड मरून का, हाईली रिकमेंडिंग दिस कुर्ती। आप इसको वेरियस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से भी पहन सकते हैं या तो फिर कॉन्ट्रास्ट में अगर मरून दुपट्टा या मरून बॉटम वेयर के साथ पहनेंगे तो भी ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सो यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कुर्ती फॉर अपकमिंग फेस्टिवल्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कुर्ती ऑफ दिस हॉल और वो कुर्ती है ये वाली जो मैंने पहन रखी है। किसी भी वीडियो में जो सबसे अच्छा आउटफिट होता है मैं उस आउटफिट को उस वीडियो में पहन लेती हूँ। सो यस, ये कुर्ती मुझे काफी ज्यादा पसंद आई बिकॉज ऑफ इट्स कलर। सो अगेन दिस इज अ फुल लेंथ कुर्ती एंड दिस कुर्ती इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जनस्या और मुझे जनस्या की कुर्ती कुर्ता सेट काफी ज्यादा पसंद है। जनस्या के कलर कॉम्बिनेशन, उनके पैटर्न, उनके स्टाइल्स काफी ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्लासी पीसेस होते हैं एंड उनकी फेस्टिव कलेक्शन जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। सो यस, मैंने उनमें से एक ये अपने लिए सिलेक्ट किया है एंड आई रियली रियली लाइक दिस कलर और इसमें जो प्रिंट किया हुआ है ओवरऑल गोल्डन प्रिंट किया हुआ है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इसका नेक एंड चेस्ट एरिया आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट स्टाइलिंग की हुई है और आगे से थ्रेड डिटेलिंग भी दी हुई है। 3/4 इसके स्लीव्स हैं। द फैब्रिक ऑफ द कुर्ती इज चंदेरी सिल्क एंड इसमें ओवरऑल गोल्डन फॉइल प्रिंट किया हुआ है जो की काफी इसको फेस्टिव एप्रोप्रिएट बनाता है।
अगर आप इसको ऐसा कुर्ती ड्रेस भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, अदरवाइज कोई भी क्रीम गोल्डन कलर के दुपट्टे या बॉटम वेयर के साथ स्टाइल करेंगे तो भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके साथ आप कोई भी गोल्डन या व्हाइट पर्ल ज्वेलरी के साथ इसको एक्सरसाइज करेंगे तो ये आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो यस, ये थी मेरी अमेजोन कुर्तीज, परफेक्ट फॉर एनी फेस्टिवल, एनी फंक्शन, एनी पार्टी। सारी कुर्तीज मेरी फेवरेट है, मुझे सबकी फिटिंग, सबका कलर, सबका पैटर्न काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। आप लोगों को इनमें से कौन सी कुर्ती सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू नो। अगर इनमें से कोई भी कुर्ती आप अपने लिए बाय करना चाहते हैं फॉर दिस फेस्टिवल सीजन तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना, मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा अमेजॉन स्टोर लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप स्टोर लिंक को क्लिक करेंगे तो मेरा अमेजॉन स्टोर आपके सामने आ जाएगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, आप उन कैटेगरीज में जाके यू नो अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ, वीडियो जरा सा पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज में, हैंडल्स है सारे मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सुपर सून, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।